Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। भागलपुर और मुंगेर का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से तबाह हो रहा है। ऐसे में गंगा की तेज बहाव के कारण कई घर और मकान नदी में समा रहे हैं। यहां दो मंजिला मकान के गंगा नदी में समा जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 10 सेकंड के अंदर पूरी इमारत नदी में समा गई। बाढ़ के दौरान इन इलाकों में गंगा की तेज धार के कारण काफी कटाव होता है। इस कारण कई गांव नदी में समा जाते हैं। इन दिनों भी कटाव जारी है। एक तो बाढ़, ऊपर से भागलपुर में देर रात से तेज आंधी और बारिश की वजह से बाढ़ग्रस्त इलाके और बाढ़ पीड़ितों के कैंप में कोहराम मचा हुआ है। नदी किनारे वाले इलाके में जहाँ गंगा नदी का तेज बहाव है, वहाँ कई मकान नजर के सामने गंगा में विलीन होते दिखाई दिए। NH-80 की कई सड़कों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव है तो कई रास्तों पर पेड़ के गिरने से आवाजाही बाधित हो गई। गंगा नदी में जलस्तर तकरीबन 14 सेंटीमीटर कम जरूर हुआ है, लेकिन नदी खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। इस वजह से इधर से उधर गुजरने वाले कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कुछ के रूट भी बदल दिए गए।